नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर के मोहल्ला होमगंज पुरानी पंजाब बैंक के समीप के निवासी रमेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक को जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र नशे का आदी है और वह नशा करके उन लोगों के साथ अभद्रता करता है। शनिवार की रात उसके पुत्र ने उसे व उनकी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया और घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया। रमेश चंद्र ने बताया कि उसके पुत्र का नाम परमानंद है और वह बेरोजगार है, मगर नशा आदि करके वह अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। उन्होंने बताया शनिवार को वह लोग घर पर थे कि रात करीब 9 बजे उसका पुत्र नशे में आया और उन्हें गालियां देने लगा। जब उन्होंने गाली देने का विरोध किया तो पुत्र द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। जब अपने पति को उनका पुत्र मार रहा था तो पत्नी भी उन्हें बचाने आई, इस पर पुत्र ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। इसके उपरांत दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया तथा दरवाजा बंद कर लिया गया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने चौकी इंचार्ज को आदेश दिया कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।